केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा है कि जिसे वंदे मातरम स्वीकार नहीं है उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। सारंगी ने कहा है कि देश भर में आग भड़काने वाले देशभक्त नहीं है। जो लोग भारत की स्वतंत्रता, एकता, वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को नागरिकता कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानना चाहिए। उनको अधिकार देने के लिए हमारा सरकार ये कानून पास किया और ये इस ये तो उसी पाप का प्रायश्चित है, देश विभाजन के पाप का प्रायश्चित है। इसलिए तो हमको अभिनंदन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को अभिनंदन करना चाहिए। और ये क्यों बकवास करते हैं? पाप तो उन्होंने किए थे, कांग्रेस वालों ने, और प्रायश्चित हम करते हैं, इसलिए तो अभिनंदन करना चाहिए। वो क्यों बकवास करते हैं? क्योंकि उन अपना अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है, इसलिए वो आग लगाते हैं देश में। और जो आग लगाते हैं, हम इसको देश प्रेमी नहीं मानते। जिनको भारत का आजादी स्वीकार नहीं है, अखंडता स्वीकार नहीं है, वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है।